बात करें अगर इसकी नोटिफिकेशन की, तो जून 2023 में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं पिछले दिनों, और इसकी लास्ट डेट जाने वाली है 14 जुलाई। 14 जुलाई को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, जबकि इस पोस्ट का नाम है, जो ये पोस्ट निकली उसका नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर, FSO इसका नाम है। उसमें टोटल पोस्ट 56 है, चूंकि हाई रैंक की जो पोस्ट है इसमें इतनी कम वैकेंसी है वो हैं होती, इसकी टोटल पोस्ट की संख्या है 56, 56 है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन बात करें अगर इसकी सैलरी की, तो 44,900 से लेकर 1,00,000 सैलरी के आसपास इसकी सैलरी बनती है, और इन हैंड ये करीब 55 से 60 हजार के बीच में इन हैंड इसकी सैलरी आपकी मिलती है। साथियों जय हिंद, साथियों एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक धमाकेदार वैकेंसी, जहां आप लगभग 60 से 70 हजार रुपए अर्न कर सकते हैं अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर की। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्राइटेरिया चाहिए और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, सभी चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है साथियों। अगर आप FSSI में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वैकेंसी मुफीद है और आप बहुत आसानी से इसमें बन भी सकते हैं। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं गवर्नमेंट जॉब की इंडिया लेवल पर अपडेट देते रहता हूं, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आसानी से फॉर्म भर सकें और उनको फुल डिटेल जॉब के बारे में मिल जाए। या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो न्यू नोटिफिकेशन आ चुका है जून में, जिसकी फॉर्म की भर्ती भी शुरू हो चुकी है उसकी, जिसको शॉर्ट में FSO कहते हैं। जी हाँ साथियों, ये दोनों ही कैटेगरी के लिए है, मेल और फीमेल के लिए। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन है इसका FSO का, देख लीजिए इसको, इसमें सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे पोस्ट वाइज इसकी डिटेल भी, अलग अलग 56 जो पोस्ट है उनकी डिटेल आप देख पा रहे होंगे। ये मैं आपको अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से आप इसको पिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की। लेकिन नोटिफिकेशन इसका जो है जून में आ चुका था और इसकी अप्लाई डेट पिछले दिनों से ही शुरू हो चुकी थी। बात करें अगर हम लास्ट डेट की, तो इसकी लास्ट डेट है 14 जून। जी 14 जुलाई, 14 जुलाई को ये फॉर्म एंड हो जाएंगे, इससे पहले आपको इसको भरना होगा। बात करें इसके एग्जाम की, पोस्ट नेम की, तो इसका नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, इसका नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसकी जो टोटल पोस्ट है साथियों, वो टोटल पोस्ट है 56, 56 पोस्ट है इसके अंदर। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन। अगर आपने इंडिया लेवल पर कहीं पर भी ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप ग्रेजुएट हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी की जो इंक्रीमेंट, जो सैलरी बनती है आपकी, वो लगभग 44,000 से लेकर 45,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक बनती है। जो इन हैंड सैलरी आपकी हाथ में पहुंचेगी वो लगभग करीब 60,000 के आसपास होती है। जी हाँ साथियों, 60,000 के आसपास फूड सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी बनती है, और रिटायर हो मौजूदा जो सैलरी मिल रही है वो 1,00,000 प्लस मिल रही है, जो अभी अपग्रेड होते होते हैं, जिनका प्रमोशन होते होते FSO से ऊपर पहुंचे, उनकी सैलरी 1,00,000 प्लस के आसपास पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दो और पोर्शन की, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, और सिलेक्शन इसका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर दूं आपसे, अगर आप अपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी दबा दीजिए, ताकि आपको जो मैं अब वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए, है ना। तो आगे देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो 3 चरणों में होगा। पहला चरण रिटेन का होगा, दूसरा भी रिटेन फेज 2 होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, मतलब 2 रिटेन के एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू होगा। अगर आप बात करें इसके सिलेबस की, तो रिटेन में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, यहां पर मैं आपसे इसको शेयर कर रहा हूं। देखिए, जो फेज 1 रिटेन होगा उसमें भारतीय खाद्य अधिनियम 2006 से रिलेटेड सारी चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं। ये रहा उसका स्क्रीनशॉट, आप इसको देख सकते हैं।
ये रहा सारी चीजें जो आप देख पा रहे होंगे, यही मैंने बोर्ड पर आइए लिखा हुआ है। उसके बाद खाद एवं पोषण जी के फेज टू में भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जैसा कि अभी आपने स्क्रीनशॉट में देखा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन भारतीय खाद अधिनियम फेज वन 2006 से और पोषण खाद एवं पोषण अधिनियम से जीके जीएस रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। इन दोनों ही पेपर के लिए आपको जो है 2-2 घंटे का समय मिलने वाला है। उसके बाद जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू देना होगा जिसमें 30 नंबर मिलते हैं साथियों। तो ये हो गया आपका सिलेबस का प्रोसीजर पूरा। अब अगर ये चरण आप क्वालिफाई कर जाते, आप ये काम कर जाते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं, तो अब आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो मीडिएचर रखा गया है वो देखिए क्या रखा गया, देखिए जरा, वो रखा गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज से। अगर आप यूआर कैटेगरी के बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 40% लाना होगा, ओबीसी सेकेंड से 36.5% ओबीसी वन से 34%, आदिम जात से 30%, ईडब्ल्यूएस से 40% और एससीएसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 32% यहाँ पर अंक प्राप्त करने होंगे। तो ये डिटेल आपको कैसी लगी वीडियो में जरूर बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया की अपडेट आपको देते रहता हूं और उसी के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस भी अपलोड करता हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहां पर भी आप ज्वाइन करके आप डेली अपडेट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल ऐसे ही एक और वैकेंसी में, तब तक के लिए वैकेंसी की अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।